मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यालय पर प्रस्तावित दौरे पर राजनीति गरमाने लगी है। गुरुवार को विधायक रवि जोशी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसके चलते नर्मदा में कृत्रिम बाढ़ लाई गई। उन्होंने मुख्यालय पर होने वाले मेडिकल कॉलेज और नवग्रह लोक निर्माण की योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज के भवन बनाने से पहले आमंत्रण कार्ड पर भवन की बाउंड्री वॉल निर्माण का भूमि पूजन प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा नवग्रह लोक की कोरी कल्पना है, क्योंकि यह मंदिर सहित आसपास की जमीन निजी है, जिसका कोई अधिग्रहण नहीं हुआ है। आनंद फानन में मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, इसकी कोई कार्य योजना ही नहीं है। इसके अलावा अल्प वर्षा और अतिवृष्टि से फसलों को हुई नुकसानी पर सरकार का ध्यान आकर्षण करते हुए कहा कि यह समय शिलान्यास लोकार्पण का नहीं बल्कि किसानों के आंसू पोंछने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जो हमने कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उस संदर्भ में आज प्रेस वार्ता रखी कि खरगोन के नवग्रह कॉरिडोर का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। नवग्रह मंदिर किसी पंडित लोकेश जागीरदार की निजी प्रॉपर्टी है, उसके आसपास सारी जमीनें जो है, आसपास मकान है, आसपास आश्रम है, वो सब निजी प्रॉपर्टी पे बसे हैं। तो नवग्रह कॉरिडोर का भूमि पूजन कहाँ करेंगे, कहाँ सरकारी जमीन है, कहाँ नवग्रह मंदिर खरगोन का सरकारी, नवग्रह मंदिर के नाम से जो भूमि पूजन और कॉरिडोर के नाम से मुख्यमंत्री जी खरगोन की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए का भूमि पूजन करने जा रहे हैं, ये एक छलावा, एक धोखा है। भगवान नवग्रह देवता भी इनको कभी छोड़ने वाले नहीं है। रही बात खरगोन के अंदर मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन की बात चल रही, मेडिकल कॉलेज का किसी प्रकार की कोई राशि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी स्वीकृत नहीं करी है। मेडिकल कॉलेज भवन की कोई मंजूरी नहीं हुई है कि खरगोन के अंदर इतने रुपए का बनेगा। अभी तो मेडिकल कॉलेज जो कल कर रहे हैं, उन मेडिकल कॉलेज के भवन में बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन कर रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज जब बने ही नहीं है, मेडिकल कॉलेज है ही नहीं, तो उसमें काहे की बाउंड्री वॉल, ठीक है। ये खरगोन की जनता के साथ धोखा है। 14 दिसंबर 2022 को जब माननीय मुख्यमंत्री जी खरगोन में आए थे, कहीं खरगोन को 10 20 25 एक दर्जन से ज़्यादा सौगाते का बमंडर दिया, आज तक वो बमंडर कहीं दिख नहीं रहा है। खंडवा रोड से मिर्च मंडी को जोड़ने वाली रोड जो थी, वो रोड भी आज तक सर्वे नहीं हुआ। इसके अलावा खरगोन को फ्लाईओवर की सौगात उन्होंने बोली, आज तक सर्वे नहीं हुआ। फ्लाईओवर का कोई बजट पिछली बजट में नहीं आया। खरगोन को 2 पुलिस थानों की सौगात दी, आज तक किसी प्रकार का पुलिस थाने की कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि दूसरा पुलिस थाना कहाँ और कब बनेगा। किसी प्रकार की कोई योजनाओं में किसी प्रकार का 1 रुपये का बजट नहीं है। केवल खरगोन की जनता के साथ मुख्यमंत्री जी धोखा कर रहे हैं। जब पूरा निमाड़ का किसान इस वक्त दुखी है, अल्प वर्षा और अतिवृष्टि से उसकी फसलें खत्म हो गई, उस फसलों का मुआवजा देना चाहिए। शासन बोल रहा है कि हमारे पास सर्वे करने वाले नहीं है। मैं मांग करता हूं कृषि विभाग के ग्राम सेवकों से सर्वे कराया जाए, सर्वे बाद में कराया जाए, पहले राहत राशि किसानों को आवंटित कर दी जाए। केवल कोरी घोषणा है, इन घोषणाओं का जवाब खरगोन की जनता चुनाव के समय देगी। खरगोन की जनता को भ्रमित किया जा रहा है, खरगोन की जनता को पिछले 1 साल से भ्रमित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मैं बोल रहा हूँ दिसंबर महीने में जब आए थे, 1 दर्जन से अधिक घोषणाएं थी, 1 घोषणा नहीं, पूरा शहर खुदा पड़ा है, पूरे शहर में पेचवर्क हो गया, हालत शहर की इतनी खराब, रोडों की करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए की अच्छी रोडों को खोद के इसी खत्म करी। आप लोग भी देख रहे हैं, आज परेशान है जनता। बारिश के समय गली गली में पानी, सड़कों पे पानी पानी भर गया था, कहीं निकासी का साधन नहीं है, शहर के साथ छलावा हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।